जय हिंद दोस्तों, UDCR में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर हम बात करें अभी इस मैच की, तो ये मैच खेला जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ओमैन और वेस्ट इंडीज ओमैन के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप करोगे तो बहुत से अपडेट्स आप मिस कर जाओगे, तो पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी मैच के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो भी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर्रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स दोस्तों। एक और मैच देखते ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद थे दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो अगर अभी इस मैच के बाद करें तो T20I का मैच है दोस्तों, मतलब आपके टीम में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स होंगे दोस्तों उनको आपके टीम में रखना है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें, मुझे इस टीम में दो या तीन प्लेयर्स ही ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा दिखा सकता हूँ, पर बाकी मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जगह में 7 और 4 का कॉम्बिनेशन शायद ट्राई करूँगा दोस्तों। तो अभी के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की सबसे पहले बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम से आपको मूनी खेलेंगे और हेली खेलेंगे। बॉल बैटिंग सेक्शन से आपको कौन खेलेंगे, यहाँ से आपके एलिस अपेरे, ग्रे सीरीज खेलेंगे, लिची फील्ड खेलते दिखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके एसले गार्डन और टाइलर मैगनाथ खेलते हुए दिखेंगे, और बॉलिंग सेक्शन में मैगनस कार्ट, वारेहम और जय जोनस।
कुछ इस तरह से अपनी टीम बन के कुछ इनकी टीम देखने को आपको मिलेगी दोस्त। अगर आपके टीम में की बात करें कौन से प्लेयर आने चाहिए, सबसे पहले मेरे टीम में यहाँ से वेथ मुनी होंगे दोस्तों, मैं यहाँ से एलिसा पेरी को टीम में रखूँगा, मैं यहाँ से ग्रेस हेरिस और लिची फील्ड को दोनों में से किसी को टीम में अभी के लिए नहीं रखूँगा, मैं डायरेक्टली ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से गार्डनर और ताहिला मैगना दोनों को रखूँगा, बॉलिंग में मैगना स्कॉट वारहम और जेल थॉमस। तो ये बन जाएगी मेरे साथ प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया की टीम से मेरे टीम में ज़रूर होंगे दोस्तों। बाकी आप एक बार देख लीजिए प्रीव्यू, आप क्या चेंज कर सकते, आप यहाँ से वेथ मुनी को ड्रॉप करके या फिर आपका एलिसा हिली को टीम में ट्राई कर सके दोस्तों, ये भी खेलेंगी दोस्तों। बेटिंग सेक्शन आप ग्रेस सीरीज को ले सकते हो, किसके बदले ताहिला मैगनाथ के बदले ग्रेस सीरीज या लिचफील्ड को ले सकते हो, या फिर बॉलिंग में आपके वारे हम ये मैगनस कार्ट में से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ से आप ताहिला मैगनाथ या फिर ग्रेस सीरीज को टीम में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें मेरी टीम में कौन आएंगे, ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेट कीपिंग से आपको कैंपबेल खेलते हुए दिखेंगे, आर विलियम्स खेलेंगे नहीं। बैटिंग सेक्शन से स्टीफन टेलर आपको खेलेंगे, गजनबी खेलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से आपके हिली मैथ्यूज, चैड हेनरी और एलायनी खेलते हुए दिखेंगे। बॉलिंग में फ्लेचर फिजनर और सलमा कॉनल खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। बैटिंग के बाद में यहाँ से हिली मैथ्यूज, सी हेनरी, ऐसे स्टीफन टेलर और बॉलिंग में से एफ ई फ्लेचर, ये चार प्लेयर्स मेरी टीम आएंगे। आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देखिए कुछ इस तरह से। मैं अगर इसमें कुछ चेंज करता जो मैं शायद अपनी टीम में ज़रूर करूँगा दोस्तों, वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट करके करूँगा दोस्तों। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, इसी टीम के साथ आपको चले जाना है दोस्तों, जहाँ आपको सभी प्लेयर्स के बारे में पता ही है दोस्तों। ज़्यादा कुछ बताऊँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे दोस्तों, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर के बारे में सभी को मालूम है बहुत सारा। अगर सीनियर मुनी की बात करें, मेरी जो कैप्टन बन सकते हैं हिली मैथ्यूज़ को अपना कैप्टन बनाऊंगा, एक काम होता है एशले गार्डनर को कैप्टन बना के हिली मैथ्यूज़ को अपना वाइस कैप्टन बना दो दोस्तों। तो ये बन जाएगी मेरी टीम। अगर इस टीम का वीडियो देखो, अगर इसे मुझे कुछ चेंज करना पड़े मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।